मैंने तो अपने नाखून चेक कर लिए, आपने किए क्या? देखिए कहीं आपके नाखूनों का रंग तो चेंज नहीं हो रहा या उनमें कोई और बदलाव तो नहीं हो रहा, क्योंकि नाखूनों का ख्याल रखना ब्यूटी या नेल सलून जाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात है। बॉडी का ये हिस्सा आपकी सेहत और कई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का संकेत टाइम से पहले दे देता है। नाखूनों पर धब्बे का आना या चकते पड़ना या कुछ और होना किसी आने वाली बीमारी की चेतावनी हो सकता है। ऐसे रोग भी होते हैं जो हमारे शरीर के एक या उससे ज़्यादा पार्ट्स पर असर डालते हैं, भले ही ये बीमारी हाथ में हो या पैर में। स्किन स्पेशलिस्ट का कहना है कि पैर के नाखूनों की देखभाल कम की जाती है और कई बार उनमें समस्याएं ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पीले पड़ने लगते हैं और मोटे हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में आगे हम ऐसी कुछ सिचुएशंस के बारे में बताएंगे जो आने वाली समस्याओं का संकेत देती हैं और जिन पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। सफ़ेद नाखून। अगर किसी को ये लगे कि उसके नाखूनों में कोई एबनॉर्मल बदलाव हो रहा है तो सबसे पहले उसे उसके रंग पर गौर करना चाहिए। अगर नाखून का रंग सफ़ेद जैसा लगे तो ये माइकोसिस, सराइसिस, निमोनिया और यहाँ तक कि दिल की बीमारी का भी संकेत हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कमी, कम प्रोटीन वाला खाना भी इसकी वजह हो सकता है। स्किन डॉक्टर्स के मुताबिक नाखून फीके पड़ जाएं तो ये अनीमिया का संकेत हो सकता है। शरीर में आयरन की कमी नाखूनों को चम्मच के आकार जैसा और खोखला बना सकता है। ल्यूकोनिकिया जैसी भी एक स्थिति होती है जिसमें नाखूनों पर सफ़ेद रंग के चकते पड़ने लगते हैं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता है और ये शरीर में किसी बदलाव की ओर संकेत नहीं करता है। पीले नाखून। नाखूनों के पीलेपन का कारण जेनेटिक या फिर बढ़ती उम्र भी हो सकता है। ये वजह होने पर नाखून मोटे लगने लगते हैं और इसका पीलापन भी फील होता है। ऐसा फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। साथ ही कुछ सीरियस मामलों में ये सराइसिस, HIV और किडनी की बीमारी का भी संकेत देता है। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके नाखूनों का रंग भी सिगरेट के सीधे कॉन्टैक्ट में आने की वजह से पीला दिखने लगता है। ऐसा होने पर अंगूठे और इंडेक्स फिंगर यानी ये वाली उंगली में पीलापन ज़्यादा फील होता है। नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसे पिटिंग भी कहते हैं। नाखूनों पर ये छोटे स्पॉट की तरह लगते हैं, ज़्यादातर एक नाखून पर एक ही होते हैं। ये एटॉपिक डर्मटाइटिस यानी एक तरह का एक्जिमा, सराइसिस या दूसरे किसी स्किन की बीमारी या बालों की समस्या से जुड़ा हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर नाखूनों पर उभरने वाला सफ़ेद हिस्सा दिखने में साफ लगे तो ये एलोपेसिया एरियाटा यानी अचानक बाल झड़ना से जुड़ा हो सकता है। उस हालात में आपको अपने बालों की समस्या का इलाज कराना चाहिए। कुछ चुनिंदा मामलों में ये सिफिलिस नाम के एक यौन संक्रमण यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का भी साइन हो सकता है। नीले नाखून। हालांकि ये बहुत देखने को मिलता है, नाखूनों का नीला होना किसी खास दवा के इस्तेमाल के कारण हो सकता है। मुहासों या मलेरिया की दवाओं के इस्तेमाल करने वाले लोगों के नाखूनों में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। जब ऐसा हो तो डॉक्टर को ये देखना चाहिए कि क्या किसी खास दवा को रोकने की ज़रूरत है या फिर कहीं इलाज बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। नाखूनों पर फंगल इन्फेक्शन का बार बार होना। माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है और इलाज बंद किए जाने की सूरत में ये दोबारा से हो सकता है। अगर इस पर ठीक से नज़र नहीं रखी गई तो ये बार बार उभर सकता है। पैर के नाखून में ये समस्या अक्सर होती है। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज शुरू करने पर इसे 6 महीने तक जारी रखा जाना चाहिए। अगर हाथ में ऐसा हो तो 3 से 4 महीने इलाज किया जाना चाहिए। मरीज को वक्त पर दवा लेनी चाहिए और जब डॉक्टर कहे तभी ज़रूरी एहतियात लेना बंद करना चाहिए। साथ ही ये सलाह भी दी जाती है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचा जाना चाहिए जहां ये इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे टाइट और गर्म जूते, स्विमिंग पूल और सोना का इस्तेमाल। और नाखूनों पर लकीरें क्यों हो जाती हैं? इन्हें ब्योज लाइंस भी कहते हैं। ये नाखून पर हॉरिजॉन्टल लकीरों की तरह दिखाई देती है, अक्सर तेज़ बुखार या कीमोथेरेपी के इलाज के बाद ये देखने को मिलती है। जब ये लकीरें डार्क दिखें और सिर्फ एक उंगली पर दिखाई दे तो ये मेलानोमा का साइन हो सकता है। मेलानोमा एक तरह का स्किन कैंसर है। नाखूनों में भुरभुरापन।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी केमिकल प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आने की सूरत में नाखून टूटने या झड़ जाने की हद तक सूख जाते हैं। अगर ऐसा है तो शरीर के उस हिस्से में डॉक्टर की सलाह से क्रीम वगैरह के जरिए नमी बनाकर रखी जानी चाहिए। कमज़ोर नाखूनों की दूसरी वजह भी हो सकती है, जैसे कि खाने में प्रोटीन, बायोटीन B7 और दूसरे बी विटामिन की कमी। हालांकि अच्छी बात यह है कि नाखूनों में किसी तरह का बदलाव ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई गंभीर हेल्थ इशू ही हो, कभी कभी ये रूटीन के तौर पर भी होता है। जब भी ऐसा हो तो किसी स्किन डॉक्टर से कंसल्ट करने की सलाह दी जाती है, ताकि खून की जांच और दूसरे तरीकों से डॉक्टर अपने मरीज की स्थिति समझ सके और अगर कुछ सीरियस लगे तो स्पेशलिस्ट बायोप्सी कराने के लिए कह सकते हैं।